क्वेश्चन नंबर 9 है, सिक्स पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 64 मिनट्स, हाउ मैनी पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 96 मिनट्स। गिवन हमारे पास है नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल द टैंक इन 64 मिनट्स, अगर हमने 64 मिनट्स में जो है वो टैंक को फिल करना है तो कितने जो है वो पाइप्स रिक्वायर्ड होंगे, सिक्स पाइप, जबकि हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल द टैंक इन 96 मिनट्स, तो उससे पहले हम 1 मिनट की जो है वो तादाद फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं इनवर्स का है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। अगर तो पाइप्स की तादाद 6 है तो 64 मिनट्स से जो है में जो है वो टैंक फिल हो जाता है, वही टैंक आपने फिल करना है 96 मिनट्स में, तो पाइप्स की तादाद कम करनी पड़ेगी या ज़्यादा। अब टाइम ज़्यादा है तो पाइप्स कम होंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो इट्स मीन क्वेश्चन वाई इनवर्स का, तो हम फर्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे देन जो है वो डिवाइड करेंगे। अब सिक्स पाइप्स थे जबकि 64 मिनट्स थे, तो 1 का फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फोर ज़ार 24, 24 का आ जाएगा 4, 2 कैरी 6, 6 ज़ार 36 प्लस 2 38, सो 1 मिनट में जो है वो कितने पाइप्स जो है वो टैंक को फिल करेंगे, 384। अब जो 1 मिनट के पाइप्स की तादाद आई है 384, उसको 96 मिनट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 384 के अंदर रखा 96 का टेबल रीड करेंगे तो 96 फोर ज़ार 384, सो नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल द टैंक इन 96 मिनट विच इज़ इक्वल टू 4 पाइप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ 17 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 42 आवर्स, हाउ मैनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 34 आवर्स। हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द वर्क इन 42 आवर्स, 42 आवर्स में कितने मैन वर्क कंप्लीट करते हैं, 17 मैन, जबकि हमने फाइंड करना है कि 34 आवर्स में कितने मैन यही वर्क कंप्लीट करेंगे, तो उससे पहले हम 1 आवर की तादाद फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन चेक करते हैं डायरेक्ट का है या फिर इनवर्स का। अब अगर 42 आवर्स है तो 17 मैन वर्क जो है वो कर रहे हैं, अब वही काम अगर हमने 34 आवर्स में कंप्लीट करना है तो मैन की तादाद ज़्यादा होगी या कम होगी। अब बिकॉज टाइम कम है तो ज़्यादा लोग काम करेंगे फिर ही काम फिनिश होगा, सो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक डिक्रीज हो रही है, तो इट्स मीन ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द वर्क इन 1 आवर विच इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 42, तो 17 को 42 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 टू ज़ार 14, 14 का क्या आ जाएगा 4, 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, 7 4 ज़ार 28, 28 का क्या आ जाएगा 8, 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 6, इनको ऐड कर लेंगे 4 एज इट इज़, 8 प्लस 3 11, 11 का आ जाएगा 1, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, सो 1 आवर में कितने मैंस वर्क करेंगे, 714 मैंस। अब जो हमारे पास 1 आवर की वैल्यू आई है 714, उसको जितने की हमने फाइंड करनी है उस पर डिवाइड कर देंगे, सो 714 को 34 पे कर देंगे डिवाइड, 714 को अंदर रखा 34 का टेबल रीड करेंगे, 34 टू ज़ार 68, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा 3, नेक्स्ट 4 को नीचे ले आएंगे, 34 वन ज़ार 34, सो हमारे पास नंबर ऑफ मैन टू कंप्लीट द वर्क इन 34 आवर्स विच इज इक्वल टू 21 मैंस।